जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज हम लोग अंटार्कटिका लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए अंटार्कटिका कंटिनेंट की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि अंटार्कटिका के नाम से एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और इसके बारे में क्वेरी आई थी। मैंने पहली बार इसका नाम सुना, काफी अट्रैक्ट हुआ इसका नाम सुन के, तो मुझे लगा इसके बारे में अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन किया तो मुझे कुछ चीजें ठीक लगी, इसलिए मैं इसको लेकर वीडियो बना रहा हूँ। आपको बताऊंगा कंपनी कैसी है, क्या काम करती है, इसमें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका क्या, अगर आप करते हैं तो कैसा रहेगा, चलिए समझते हैं। देखिए अंटार्कटिका लिमिटेड, मुझे शुरू में ऐसा लगा कि जो अंटार्कटिका कंटिनेंट है उसके लिए कुछ कामकाज करती होगी, उसके रखरखाव के लिए, उस पर अध्ययन करने के। लेकिन मैंने जब पाया तो ये समझ में आया कि कंपनी प्रिंटिंग बिजनेस चलाती है, प्रिंटिंग का बिजनेस चलाती है, जिसमें ये कंपनी पेपर बेस्ड पैकेजिंग करती है और साथ में पब्लिशिंग और कुछ प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। यानी कि पेपर बेस्ड कंपनी का काम है इसका, अंटार्कटिका कंटिनेंट से कुछ लेना देना नहीं है। ये कंपनी बस पेपर के बिजनेस, प्रिंटिंग के बिजनेस से जुड़ी हुई है। काम देखिए बढ़िया है क्योंकि इस तरह के बहुत कम कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। खासकर मैं यदि पेने स्टॉक की बात करूँ तो पेने स्टॉक में यदि इस तरह की कंपनी है तो उसमें ग्रो होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। कुछ दिनों के पहले तक अभी इसमें न्यूज आ रही थी कि स्टॉक लगातार गिर रहा है, लेकिन आज इसमें जब मैं देखा तो तेजी आई है और चार्ट पर भी तेजी के संकेत मिल रहे हैं, तो एक प्रकार से गुड न्यूज है आपके लिए। और ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा अपना राय क्या है इस कंपनी के बारे में लास्ट में, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मार्केट कैप है तकरीबन 30 करोड़ के आसपास, बहुत छोटी कंपनी है और शेयर प्राइस देखेंगे तो एकदम 2 रुपए के आसपास से, जो कि कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपको एक प्रकार से देखें तो सही प्राइस पे ही आपको स्टॉक मिलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी आपको माइनस में दिखेगा, लेकिन चूंकि पेनी स्टॉक है तो ये उतना इसको कंसीडर करके अभी नहीं चल सकते क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है। एक साल का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, तो जैसे मैंने बताया शुरू में कि प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, कुछ दिनों से प्राइस गिर रहा था आपने देखा, लेकिन आज चूंकि जब मार्केट में इतना हेवी गिरावट आया है उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ते हुए दिखा है और उस पेनी स्टॉक में 5% के आसपास आपको तेजी देखने को मिली है। क्योंकि ओवरऑल देखेंगे तो क्या है कि अभी जब तक ये स्टॉक इस कंसोलिडेशन रेंज में था, मैं क्या कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में है तो आप उसे बाहर निकलने का वेट कीजिए। जब भी कंसोलिडेशन से किसी भी शेयर का प्राइस जब निकलता है तो ऊपर की तरफ ही जाता है, यहाँ भी ऊपर की तरफ गया, जबरदस्त आपको प्रॉफिट दिया जिन लोगों ने ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री लिया होगा। अब क्या होता है कि ब्रेकआउट से एंट्री देने के बाद, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंट्री ब्रेकआउट से बाहर निकला ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया और आके कंसोलिडेशन रेंज में फंस गया, फिर इससे बाहर निकला ऊपर गया फिर नीचे आया। अब फिर क्या होगा, नीचे आया तो यहाँ पे खुश होता है कुछ समय बिताया, समय बिताया फिर जब इस रेंज से बाहर निकलेगा तो इसके भी ऊपर जाएगा। तो प्राइस आपको समझना होगा कि लगातार ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर करके ऊपर जाता है। ओवरऑल यदि मैं यहाँ 5 साल का चार्ट आपको दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी भी इस कंपनी का जो प्राइस है, जो शेयर प्राइस है, अप ट्रेंड में है, अभी भी इसमें अप ट्रेंड है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है ऊपर की तरफ जाने लगा है, तो आप ये मान के चलिए कि अभी भी इस स्टॉक में पोटेंशियल है, कुछ दिन तक लगातार इसका प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकता है। हो सकता है कुछ दिन इस रेंज बाउंड में आके फिर से समय बिताए, लेकिन जब भी इससे निकलेगा तो बाहर ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो अब रही बात कि यदि कोई नया व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहाँ पे कर सकता है, अभी देखिए अभी उसको वेट करना चाहिए कोई भी नया व्यक्ति को, क्योंकि मान लीजिए यदि फिर से एक रेंज बाउंड में फंस जाता है, मान लीजिए ये 2 रुपए से लेके 2 रुपए 20 पैसा के बीच में यहाँ पे समय बिताने लगता है तो आपका पैसा फंसा रहेगा। इसलिए आप वेट कीजिए, जब 2 रुपए 20 पैसे के ऊपर इसका प्राइस निकले यहाँ पे तो यहाँ पे आप एंट्री ले लीजिएगा, या आप देखते रहिए कि 2 रुपए 20 पैसे से इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर कब निकल रहा है, और जब 2 रुपए 20 पैसे से ऊपर निकलेगा तो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट ब्रेकआउट भी हो जाएगा और आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करके चलिए तो अच्छा खासा आपको बेनिफिट होने के चांसेस रहेंगे। आप समझिए कुछ और चीज को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर को देख लेते हैं। देखिए सेल्स देखेंगे तो पिछले कुछ समय में आप पाएंगे कंपनी का सेल्स एक कंटिन्यूअस बेसिस पे देखें तो कहीं ना कहीं एवरेज ही रह रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स। हालांकि बीच में इधर दिसंबर 2023 में पिछले कुछ क्वार्टर्स में ठीक ठाक नंबर्स आए हैं, लेकिन फिर से जो जून क्वार्टर का रिजल्ट है, जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का, इसमें रिजल्ट में डिक्लाइन होते हुए दिखा है। और इसके अलावा देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट में तो अभी है नहीं, नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो लॉस में ही है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आरओई कंपनी का माइनस में है, तो ये प्रॉफिट में लॉस, प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है, जिस वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है, अपनी इक्विटी पे रिटर्न नहीं बना के दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। तो आपको वेट करना होगा कंपनी को प्रॉफिट माने के लिए। जब आप बैलेंस शीट समझते हैं यहाँ पे तो बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा कंपनी के ऊपर डेप्ट है, तो कंपनी के पास ये थोड़े बहुत पैसे आ भी रहे हैं तो कंपनी इस डेप्ट को कम करने में
लगा रही है यहाँ, ये रहा डेप्ट। और आप देखेंगे कंपनी ने लगातार अपने डेप्ट को कम किया है पिछले कुछ समय में, यहाँ से 3 करोड़, यहाँ पे 3 करोड़ ही था एग्जैक्ट, और 3 करोड़ के बाद देखेंगे तो कंपनी का लॉस कम होकर 2 करोड़ 84 लाख के आसपास आया है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखें तो कंपनी अपने लॉसेस को कम करते हुए दिख रहे हैं। मैं यहाँ से तुलना नहीं करूंगा कि काफी पहले की बात होगी, हाल फिलहाल के आईएएस की बात कीजिए तो कंपनी के पास जो पैसे आ रहे हैं उससे कंपनी लॉस को कम कर रही है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट में आने में थोड़ा समय लगेगा। कंपनी के पास रिजर्व पैसा भी देखेंगे तो बहुत नहीं है, लेकिन जब कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी तो फ्री कैश फ्लो बढ़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं यानी कि जो प्रमोटर्स, इनकी हिस्सेदारी ठीक ठाक है पेनी स्टॉक में, खासकर इतने छोटे पेनी स्टॉक में प्रमोटर्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पे 11% के आसपास प्रमोटर्स अभी भी हैं। काफी समय के बाद प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक को सेल किया है, लेकिन फिर भी अभी भी ठीक ठाक मात्रा में, हो सकता है कि इन्होंने प्लेजिंग किया कुछ काम के लिए अपने शेयर्स को, तो ठीक ठाक है। और इसमें अच्छी बात है कि एफआईआर और डीआईआई की भी हिस्सेदारी है, तो आप इस पर भरोसा करके चल सकते हैं। गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है थोड़ी बहुत, और पब्लिक की तो हिस्सेदारी मेजर है ही। तो जिस स्टॉक्स में गवर्नमेंट, एफआईआई, डीआईआई और खुद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है उस पर आपका इन्वेस्टमेंट होना बनता है। बाकी ओवरऑल बात करें तो अंटार्कटिका लिमिटेड मुझे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा फंडामेंटल मजबूत होना बनता है, बन जाएगा तो आपको इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।